नमस्कार, जय माता दी। मैं हूँ आपकी अपनी लाइफ डिजाइनर जीतू आचार्य। धनतेरस कब है, धन त्रयोदशी कब है? धनतेरस आता है तो हर किसी की इच्छाएं जो है इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि हमारी ये समस्या पूरी हो जाएगी, हमें इतना धन मिल जाएगा, हमारे घर में सुख समृद्धि से भंडार भर जाएंगे। तो धन त्रयोदशी, धनतेरस आपने किस दिन मनानी है? 10 नवंबर को है धनतेरस, तो उसकी तैयारियां कैसे कर लीजिएगा, क्योंकि सबसे पहले तैयारियां इंपॉर्टेंट होती है। जब हमारे घर में कोई मेहमान आने वाला होता है तो हम कैसे तैयारियां करते हैं? सबसे पहले तो हम देखते हैं कि एंट्री से आएगा, अरे हमारी एंट्री उसको ख़राब नहीं दिखनी चाहिए। एंट्री से ना इम्प्रेशन पड़ता है, हमारी जो दहलीज होती है उससे बड़ा इम्प्रेशन पड़ता है। तो धन त्रयोदशी पर भी तो कुछ ऐसा ही आगमन होने वाला है ना, धन कुबेर जी का। आपके घर में धनवंतरी जी आएंगे, बहुत सारा कलश जो है धन से भरा हुआ लेकर के आएंगे, तो उसकी तैयारियां तो भव्य करनी चाहिए ना। सबसे पहले आपको तैयारियों में किन चीज़ों का खास करके ध्यान रखना है, क्योंकि धनतेरस, धन त्रयोदशी 10 नवंबर को ही मनाई जाएगी। प्रदोष व्यापनी है उस दिन, उसी दिन आपको धनतेरस का ये बहुत पर्व जो है, उत्सव जो है उसे मनाना है। दीपावली आती है तो 5 दिन का उत्सव शुरू हो जाता है, तो ऐसे में धनतेरस का जो उत्सव है बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। ये साल भर आपके घर में धन की बरसात होती रहे तो धनवंतरी जी को आपने कैसे प्रसन्न करना है, कैसे अपना इम्प्रेशन जो है वो आपने धनवंतरी जी पर जमाना ही जमाना है। यानी सबसे पहले तो एंट्री की ही बात कर लेते हैं कि एंट्री बहुत खूबसूरत होनी चाहिए, सजाइएगा उसे जितना भी आपका सामर्थ्य है, जिस तरीके से भी आप सजाना चाहते हैं। देखिए सजाने के पीछे ना जो चीज़ मन को भाती है वही सबसे अच्छी होती है, जो फ्रेग्रेंस आपको सूदिंगपन देती है वही तो सबसे अच्छी होती है खुशबू। तो इसीलिए हम कहेंगे ये वाला नहीं, वो वाला नहीं, ये वाला, ऐसा कर जो आपको अच्छा लगता है वो कीजिएगा। अपने घर की मुख्य दहलीज को बहुत अच्छे से सजाइए, चाहे आप फूलों से सजाइए, चाहे आप तोरण से सजाइए, चाहे आप रंगोली से सजाइए, चाहे दोनों तरफ दीपक जला करके सजाइए। यानी जिस तरीके, जिस अंदाज से ही आप अपने घर की मुख्य दहलीज को सजाना चाहते हैं, डेकोरेट करना चाहते हैं, कलरफुल चुनरियों के साथ भी डेकोरेट किया जाता है, तो जैसे भी आप सजाना चाहिए तो आप सजाइए और खूबसूरत अंदाज में सजाइए, ताकि जहाँ से आगमन होना है धनवंतरी, तो पहला इम्प्रेशन आपका वहीं पे पड़ जाए। हाँ, कलर्स ज़रूर कहेंगे, रंगों का इस्तेमाल करके रंगोली ज़रूर सजाएगा। लेकिन इससे पहले एक काम करना है आपने, घर अंदर से और घर बाहर से ये साफ होना चाहिए। सफाई का कोई तोड़ नहीं है, माँ लक्ष्मी वहीं आती हैं जहाँ सफाई होती है, जहाँ शुद्धता होती है यहाँ शुभता होती है। धनवंतरी भी तो वहीं आएंगे जहाँ शुभता होती है, जहाँ शुद्धता होती है। तो आपने अपने घर को साफ सुथरा करना है, जितना क्लटर, जितनी कोई गंदगी, कोई टूटी फूटी कांच की चीज़ें, कपड़े फटे हुए, ऐसे कुछ भी चीज़ें हैं तो वो घर के अंदर नहीं रखिएगा जब धनवंतरी जी आपके घर में आ रहे हों। तो आपने सबसे पहले तो सजाना है अपने घर को, साफ सुथरा करना है अपने घर को, आंतरिक आत्मा को भी थोड़ी शुद्धि देनी है, यानी बुरे विचारों से दूर होना है, और फिर मुख्य दहलीज जहाँ से एंट्री होनी है धनवंतरी जी की, एंट्री को अच्छे से सजाइएगा। घर का मंदिर पहले साफ कर लीजिए, क्योंकि दीपावली का अवसर है, और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि दीपावली जिस दिन होती है उसी दिन ही पूरी साफ़ सफाई सब कुछ करते हैं, बाकी पहले कुछ नहीं करते हैं। लेकिन जिस दिन धनतेरस होती है उस दिन आपने ज़रूर अपने मंदिर को साफ़ सुथरा करना है, सजाना है, साफ़ सुथरा करना है। घर के अंदर चरण बनाइएगा माँ लक्ष्मी के, एंट्री से शुरू कीजिएगा और घर के अंदर आपके मंदिर तक बनाइएगा। और ऐसा नहीं है कि धनवंतरी जी आ रहे हैं तो तब नहीं बनाने हैं, माँ लक्ष्मी आएंगी तब बना देंगे, तभी भी तो बनाइए। और लोग धनतेरस से ही सारे रिचुअल्स जो हैं वो स्टार्ट कर देते हैं। घर को रोशन कीजिएगा, लेकिन यहाँ पे कुछ चीज़ों का आपने ध्यान रखना है
कि घर को रोशन कब करना चाहिए, कौन सी चीज़ें करनी चाहिए, बहुत सारी चीज़ें हैं दीपावली के अवसर पर की जाती हैं। लेकिन जब हम तैयारियों की बात कर रहे हैं तो अपने घर के अंदर इस दिन कहते हैं कि धनतेरस आने से पहले आपके घर में अक्षत यानी चावल ज़रूर आने चाहिए, आपके घर में शुभता की कुछ चीज़ें ज़रूर आनी चाहिए, जैसे आपके घर में फूल मालाएं होनी चाहिए, सूखे फूल नहीं अपने घर में अंदर, जैसे पूजा डेकोरेशन में आजकल डेकोरेशन का इतना ट्रेंड चल गया कि सूखे फूलों की डेकोरेशन करने लगते हैं, आप कोशिश कीजिएगा फ्रेश फ्लावर्स की ही डेकोरेशन जो होती है एंट्री पॉइंट के लिए आप ज़रूर कीजिए। तो ये सामान खरीद करके पहले रखिएगा। बताशे ज़रूर खरीदने चाहिए, खील ज़रूर खरीदनी चाहिए इस दिन के लिए, और घर के अंदर दीपक ज़रूर ला करके रखिएगा, यानी दीपक आपको प्रज्वलित करने होंगे धनतेरस पर, तो ये दीपक भी आपने पहले ला करके रखना। लेकिन एक चार मुख वाला दीपक ज़रूर ला के रखिएगा, उसका सही प्रयोग हम बताएंगे कैसे करना है। लेकिन फ्रेश बाती, फ्रेश दीपक, फ्रेश धूप, ये सारी चीज़ों को आपने ला करके धनतेरस से पहले ही अपने घर में सजानी है। लेकिन साफ़ सफाई का खास करके ध्यान रखिएगा, एंट्री पॉइंट का खास करके ध्यान रखिएगा, जहाँ से धन कुबेर आपके घर में आएंगे, जहाँ से धनवंतरी जी आपके घर पे आएंगे। तो 10 नवंबर को मनाया जाएगा धनतेरस का पर्व, धन त्रयोदशी का पर्व, धनवंतरी जी का पर्व, धनवंतरी के आगमन का दिन। सो आपने इस वीडियो को बहुत सारे लोगों तक ज़रूर पहुँचाना है। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिएगा, वीडियो शेयर कीजिएगा, मेरी आने वाली हर वीडियो को ज़रूर देखें। खुश रहें, स्वस्थ रहें, पॉजिटिव रहें। पॉजिटिव रहते हैं तो हर समस्या से हम दूर रहते हैं। जल्दी हाजिर होंगे एक अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी।